दोस्त, ठंड और बरसात के सीजन में पकौड़े और समोसे जैसे डीप फ्राइड स्नैक्स खाना हम सभी को पसंद है, लेकिन काफी लोग हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण ऑयली खाने को अवॉइड करते हैं। ओल्ड एज में जनरली डॉक्टर्स लोगों को ऑयली खाने से रोकते हैं, लेकिन आजकल हमारे जैसे यंग जनरेशन भी ऑयल फ्राइड स्नैक्स और फूड खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लड़के और लड़कियों में भी आजकल बॉडी फिगर को मेंटेन रखने का ट्रेंड चला हुआ है, और ये चीज डे बाय डे घर के हाउस होल्ड मदर के लिए भी काफी परेशानी का विषय बन गया है कि आखिर अपने बच्चों और फैमिली मेंबर्स को हेल्थी और टेस्टी स्नैक्स बिना ऑयल या फिर कम ऑयल में कैसे खिलाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला यूट्यूब चैनल, जहां आपको होम अप्लायंस के फेयर और जेन्युइन अनपेड रिव्यूज देखने को मिलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वीडियो एयर फ्रायर के ऊपर काफी डिटेल में होने वाली है, तो आप प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने इस वीडियो में बकवास किया है। जी नहीं दोस्त, मेरा बात मानिए, आप इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और वीडियो के लास्ट तक आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप खुद से अपने लिए अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सुंदर सा एयर फ्रायर जरूर खरीद के जाएंगे। और अगर आप पहली बार एयर फ्रायर खरीद रहे हैं तब तो मेरा गारंटी है कि आपको अपने लिए सही एयर फ्रायर खरीदने में यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने एयर फ्रायर के बाइंग गाइड के बारे में बताया है, वीडियो के दूसरे पार्ट में मैंने टॉप 5 बेस्ट एयर फ्रायर इन इंडिया के बारे में बताया है, और वीडियो के तीसरे पार्ट में एयर फ्रायर ओवन के बारे में बताया है, और वीडियो के चौथे यानी कि फाइनल पार्ट में कंक्लूजन दिया है कि कौन सा एयर फ्रायर खरीदना चाहिए, तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप एयर फ्रायर के बारे में पहले से ही जानते हो तो मैंने पूरे वीडियो का टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से वीडियो का पर्टिकुलर रिक्वायर्ड पार्ट को देख सकते हो, इससे आपका कीमती समय भी वेस्ट नहीं होगा। अब आपका इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को एयर फ्रायर के बाइंग गाइड से शुरू करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में जानते हैं कि आखिर एयर फ्रायर कैसे वर्क करता है। टाइपिकली एयर फ्रायर में मेनली 2 पार्ट होते हैं, पहला हमारा हीटिंग सेक्शन होता है। हीटिंग सेक्शन में मेनली एक कॉइल या फिर हीटिंग एलिमेंट एयर फ्रायर के ऊपर साइड में लगा होता है, और एक सर्कुलेटिंग फैन के हेल्प से गर्म हवा या कहे तो हीट एयर फ्रायर के अंदर इवेनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसी गर्म हवा के थ्रू एयर फ्रायर के अंदर में फूड आइटम्स कुक होते हैं। दूसरा पार्ट होता है इसका कुकिंग सेक्शन, या आसान शब्दों में कहें तो बास्केट एरिया, जिसमें हम लोग फूड आइटम्स को रख करके पकाते हैं। दोस्त, एयर फ्रायर लेने से पहले आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि एयर फ्रायर में बने हुए फूड्स और घर के बर्तन में ट्रेडिशनल तरीके से ऑयल फ्राइड फूड्स में या फिर स्नैक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, ट्रेडिशनल तरीके से तली हुई चीज़ों में हमें अधिक तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि हमारा खाना ज़्यादा कैलोरी और फैट से भरपूर होता है। वहीं एयर फ्रायर्स में एक छोटी सी मात्रा तेल का यूज होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जिस चीज़ को फ्राई करने में नॉर्मली आपको 100 से 200 ml लग जाता था, वही चीज़ आप एयर फ्रायर्स में सिर्फ 1 या फिर 2 चम्मच ऑयल में ही फ्राई कर सकते हैं। और एयर फ्रायर्स में कम ऑयल या बिना ऑयल के फ्राई होने के बावजूद भी हमें मिलता है वही कुरकुरा और स्वादिष्ट खाना। यही नहीं, एयर फ्रायर्स खाना पकाने में काफी समय भी बचाता है और फैट्स की मात्रा को भी कम करता है, जिससे आपका खाना केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि हेल्दी भी बनता है। अगर फैमिली में किसी को हार्ट, डायबिटीज, बीपी, ओवरवेट या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो एयर फ्रायर में बने हुए फूड्स में लो फैट्स और लो कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से वैसे पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में रेगुलर डीप ऑयल फ्राइड वाली कुकिंग होती है तभी आप अपने लिए एक एयर फ्रायर को लें, वरना ये आपके घर के लिए यूजलेस प्रोडक्ट साबित होगा। और काफी लोगों का ये भी कंफ्यूजन होता है कि उन्हें एक एयर फ्रायर लेना चाहिए या फिर एक माइक्रोवेव। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीपर्पस एयर फ्रायर्स को देखने वाले हैं, जिसमें आप अपने फूड्स को एकदम कम ऑयल या बिना ऑयल यूज करके ही डीप फ्राई तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आप कुकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग, बेकिंग, टोस्टिंग, डिहाइड्रेट जैसी भी चीजें आप कर सकते हैं। यानी कि इन एयर फ्रायर्स को परचेज करने के बाद आपको माइक्रोवेव परचेज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इन सभी एयर फ्रायर्स में आप इंडियन स्नैक्स जैसे कि पकौड़े, समोसे, पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज के साथ साथ आप रोस्टेड या ग्रिल चिकन, पनीर टिक्का, केक्स, डोसा जैसे अनलिमिटेड फूड आइटम्स बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब जानते हैं दोस्त, आपको किस टाइप का एयर फ्रायर्स खरीदना चाहिए। तो दोस्त, मार्केट में आपको जनरली 3 टाइप के एयर फ्रायर्स देखने को मिल जाएंगे। पहला है बास्केट एयर फ्रायर्स, दूसरा है डुअल बास्केट एयर फ्रायर्स, और तीसरे में आता है एयर फ्रायर ओवेंस। बास्केट और डुअल बास्केट एयर फ्रायर्स में सिर्फ बास्केट का ही फर्क होता है। डुअल बास्केट एयर फ्रायर्स में आपको 2 सेपरेट बास्केट देखने को मिलते हैं। इनमें आप डीप फ्राइंग, कुकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग जैसे चीजें कर सकते हैं। और डुअल बास्केट एयर फ्रायर्स का यह भी फायदा है कि आप एक साथ 2-2 डिशेज को बना सकते हैं।
वहीं अगर आप इन सभी चीज़ों के साथ साथ थोड़ा अच्छे से बेकिंग, चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, चिकन कबाब या तंदूर स्टाइल में फूड्स बनाना चाहते हैं, तब तो फिर आपके लिए एयर फ्रायर ओवन से ही बेस्ट रहेगा। तो मानकर चलिए आप एक ओटीजी या माइक्रोवेव में जो आइटम बना पाएंगे वो सभी डिशेज आप इन एयर फ्रायर ओवन में भी इजिली बना सकते हैं, क्योंकि एयर फ्रायर ओवन बहुत सारे अलग अलग एक्सेसरीज के साथ आते हैं, जैसे कि फ्राइंग बास्केट, बेक ट्रे, स्कीवर्स, वायर एक्स और रोटेसरीज मिलती है। तो इन सभी एक्सेसरीज के हेल्प से आप बहुत सारा टेस्टी फूड्स आराम से बना सकते हैं। इसीलिए अगर आपको ये सभी आइटम्स भी बनाने हैं तो ऐसे में आपके लिए एक एयर फ्रायर ओवन लेना ही सही रहेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये बड़े कैपेसिटी यानी कि 15 से 25 लीटर में आते हैं, जो कि बड़े फैमिली के लिए सुटेबल होता है। और ये एयर फ्रायर ओवन थोड़ा महंगे भी आते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपकी फैमिली स्मॉल या मीडियम है तो आप एक नॉर्मल एयर फ्रायर ही लीजिए, उसमें भी आप लगभग सभी डिशेज बना पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मेनली हम लोग नॉर्मल एयर फ्रायर्स यानी कि बास्केट टाइप के एयर फ्रायर्स को देखने वाले हैं, जिसमें आप रोस्टिंग, ग्रिलिंग के साथ साथ बेकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली एयर फ्रायर ओवन्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए हमने वीडियो के लास्ट में दो एयर फ्रायर ओवन्स को सजेस्ट किया है। आप उन दोनों एयर फ्रायर ओवन में से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी एयर फ्रायर ओवन्स को परचेज कर सकते हैं। तो एयर फ्रायर्स के बारे में देखने के बाद अगर आप एयर फ्रायर्स को लेने का मन बना चुके हैं तो रुकिए, अपने लिए बेस्ट एयर फ्रायर्स लेने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का जरूर ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट है एयर फ्रायर कैपेसिटी। अगर आपका छोटा परिवार है तो आपको 2 से 3 लीटर वाला ही एयर फ्रायर लेना चाहिए। वहीं अगर आपके फैमिली में ज्यादा मेंबर्स हैं तो आपको 5 से 6 लीटर वाले एयर फ्रायर्स को चुनना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी मानिए तो आप ज्यादा कैपेसिटी वाला ही एयर फ्रायर को परचेज करिएगा, ताकि अगर आपके घर में कभी गेस्ट या रिलेटिव्स आते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इनमें प्राइस का भी कुछ खास अंतर नहीं होता है। इस वीडियो में मैंने मीडियम कैपेसिटी वाले 5 से 6 लीटर के एयर फ्रायर्स को ही सजेस्ट किया है। अगला पॉइंट है पावर कंजप्शन। मार्केट में आपको 800 वाट से लेकर के 2000 वाट तक के एयर फ्रायर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसमें भी आपको कम वाटेज या एकदम ज्यादा वाटेज का एयर फ्रायर नहीं परचेज करना है, क्योंकि अगर आप एकदम लो वाटेज वाला एयर फ्रायर्स लेते हैं तो उसमें कुकिंग काफी स्लो होती है, जिससे आपको कुकिंग करने में भी काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आमतौर पर 1200 वाट से लेकर के 1500 वाटेज के एयर फ्रायर्स काफी अच्छे माने जाते हैं। वाटेज के साथ साथ एक एयर फ्रायर को परचेज करते समय हमें उसके अंदर टेम्परेचर रेंज को भी काफी ध्यान से देखना चाहिए। इंडियन फूड आइटम्स के हिसाब से 80 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज वाले एयर फ्रायर्स सफिशियंट होते हैं। अगला पॉइंट है सेफ्टी फीचर्स। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होने के कारण एक अच्छे एयर फ्रायर में ऑटो शट ऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे बेसिक फीचर जरूर मौजूद होने चाहिए। अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बास्केट मटेरियल। अगर आप एक बास्केट एयर फ्रायर को परचेज करते हो तो उसमें बास्केट मटेरियल को भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि वो एक अच्छे क्वालिटी के नॉन स्टिक कोटिंग से बना है कि नहीं। तो बहुत सारे ब्रांड एकदम चीप क्वालिटी के बास्केट देते हैं जो कि ज्यादा हीट होने की वजह से जल्दी खराब हो जाता है। और आप यह भी चेक कर लीजिएगा कि बास्केट डिशवाशर सेफ है या नहीं, ताकि बास्केट गंदा होने पर आप उसे इजीली डिशवाशर के अंदर धुल पाएं। लेकिन सभी ब्रांड से डिशवाशर से बास्केट नहीं देते हैं, तो आप इस चीज को भी देख लीजिएगा। एयर फ्रायर्स को परचेज करते समय आपको अगला फैक्टर जो कि आपको चेक करना चाहिए वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। सभी नेसेसरी फीचर्स होने के बावजूद भी काफी चीप एयर फ्रायर्स में खराब मटेरियल के प्लास्टिक यूज होने के कारण इसका ड्यूरेबिलिटी भी काफी कम हो जाता है। एक अच्छे बिल्ड क्वालिटी वाले एयर फ्रायर्स में ABS प्लास्टिक बॉडी या पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक का बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे मटेरियल का इसका बॉडी होगा उतना लॉन्ग लास्टिंग आपका एयर फ्रायर चलेगा। एयर फ्रायर्स के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स, जैसे कि आप यह भी चेक कर लीजिएगा कि आपके एयर फ्रायर्स में कितने प्रीसेट्स मिल रहे हैं, जिससे कि अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से डिश के लिए आपको कितना टाइम और कितना टेम्परेचर सेट करना है तो सभी जरूरी प्रीसेट जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, चिकन, फिश, कुकीज, डीफ्रोस्ट, डिहाइड्रेट, टोस्ट, कीप वार्म, पॉपकॉर्न, पिज्जा, केक्स, ये सभी प्रीसेट रहने से आपको मैनुअली टाइम और टेम्परेचर को सेट नहीं करना पड़ेगा। और मेरा बात मानिए, इससे आपको अलग अलग तरह का डिश बनाने में काफी आसानी होगी। अगला, आप ये कोशिश करिएगा कि आप एक ट्रांसपेरेंट या ग्लास विंडो वाला एयर फ्रायर लेने का, जिससे कि आपको एयर फ्रायर में पूरा क्लीन दिखेगा कि आपका फूड कितना कुक्ड हुआ है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट बॉडी नहीं रहने पर गलत टाइम और टेम्परेचर सेट करने की वजह से डिशेज जल जाता है, और ऐसा अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है। और इसी वजह से बार बार आपको बास्केट या फिर ट्रे को खोल करके देखना पड़ता है कि हमारा फूड कितना कुक्ड हुआ है, जो कि थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाता है। तो आप यह भी जरूर देख लीजिएगा कि आप एक ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला एयर फ्रायर ले रहे हैं या नहीं। अगला पॉइंट है स्मार्ट फीचर्स। तो अगर आप एयर फ्रायर को यूज करने में थोड़ा और भी कन्वीनियंस चाहते हैं
तो आप उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी भी जरूर चेक कर लीजिएगा। इससे आपका ये सुविधा होगा कि आप अपने मोबाइल से ही एयर फ्रायर का सारा फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही हर अप्लायंस या इक्विपमेंट की तरह एयर फ्रायर्स को भी परचेज करते टाइम आप ब्रांड, वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस को भी जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका वैल्यूएबल मनी किसी ऐसे ब्रांड के प्रोडक्ट में ना वेस्ट हो जाए जो कि 2 से 4 दिन तो ठीक चले और खराब होने के बाद आपका कंपनी का अता पता ही ना रहे। इसीलिए आप एक ट्रस्टेड और वैल्यूएबल ब्रांड के एयर फ्रायर्स को ही आप परचेज करिएगा। मार्केट के अंदर आपको काफी सारे ब्रांड मिलेंगे जो कि अपने एयर फ्रायर्स को बेस्ट बताते हैं, लेकिन आपको एक ऐसे ब्रांड को चुनना है जिसमें आपको लॉन्गर वारंटी और अच्छा आफ्टर सेल सर्विस देखने को मिले। तो दोस्त, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको एयर फ्रायर परचेज करते समय जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपको अपने लिए एक राइट एयर फ्रायर को खरीदने में काफी हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं टॉप 5 बेस्ट एयर फ्रायर इन इंडिया। दोस्त, लिस्ट के टॉप एयर फ्रायर को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोडक्ट्स के बिल्कुल जेन्युइन और कस्टमर बेस्ड रिव्यू हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में एयर फ्रायर्स के काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे कि अगारो, इनालसा, इंस्टेंट पॉट, सोलारा, हैवल्स, फिलिप्स, अमेरिकन माइक्रोनिक, जिसके कारण टॉप 5 बेस्ट एयर फ्रायर्स को चूज करना काफी मुश्किल काम था मेरे लिए भी। सारे ब्रांड्स के एयर फ्रायर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद मैंने 5वें नंबर पर जिस एयर फ्रायर को रखा है वो है हैवल्स के तरफ से आने वाला हैवल्स ग्रैंड एयर फ्रायर। 6.5 लीटर का डिसेंट पैन कैपेसिटी और 5 लीटर के बास्केट कैपेसिटी के साथ 1700 वाट में आता है यह एयर फ्रायर। अगर आप एक मीडियम या स्मॉल फैमिली के लिए एयर फ्रायर परचेज करना चाहते हैं तो 6.5 लीटर का पैन कैपेसिटी डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट रहेगा। डिजिटल कंट्रोल के साथ 10 इंडियन फूड प्रीसेट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको अलग अलग फूड के लिए अलग अलग टाइमर के प्रीसेट भी मिल जाते हैं। मैक्सिमम 60 मिनट का टाइमर आप सेट कर सकते हैं। दोस्त, अगर आप एक नॉनवेज कुकिंग के लिए एयर फ्रायर परचेज कर रहे हैं तो 30 मिनट से ज्यादा टाइमर वाला ही एयर फ्रायर को परचेज करिएगा। हैवल्स का यह एयर फ्रायर एरो क्रिस्प टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन होता है, यानी कि खाने के चारों तरफ हॉट एयर सर्कुलेट होता है, जिससे फूड बिल्कुल क्रिस्पी बन जाता है। ब्लैक कलर के प्रीमियम ग्लॉसी फिनिश के साथ हाई क्वालिटी ABS प्लास्टिक से बना हुआ यह गीजर। और वहीं बास्केट मटेरियल की बात करें तो नॉन स्टिक कोटिंग के साथ साथ आपको डिश वॉशर फ्रेंडली बास्केट मिलता है। इस एयर फ्रायर के टॉप में आपको डिजिटल टच सेंसर कंट्रोल पैनल भी देखने को मिलता है, और साथ ही इस एयर फ्रायर में आप 80 डिग्री से लेकर 200 डिग्री तक टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके अंदर बात करें कि क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं तो इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन, सेफ्टी लॉग, टेम्परेचर और टाइमर कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इस एयर फ्रायर में आप कुकिंग, डीप फ्राइंग के साथ साथ रोस्टिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, रीहीटिंग, डिहाइड्रेट जैसी सभी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कॉन्स की बात करें तो इस एयर फ्रायर में ऐसा कोई खास कॉन तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कस्टमर्स का शिकायत रहता है कि यह एयर फ्रायर थोड़ा नॉइज प्रोड्यूस करता है। हैवल्स के इस एयर फ्रायर को अमेजन पर 4.4 का रेटिंग मिला हुआ है, और अगर इसके वारंटी और सर्विस की बात करें तो हैवल्स के तरफ से 2 ईयर का कम्प्लीट कम्प्रेहेंसिव वारंटी मिल जाता है। दोस्त, ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को एक से बढ़कर एक दिखाते हैं, लेकिन वारंटी और सर्विस ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि किसी भी ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अलग और भरोसेमंद बनाता है। मैंने देखा है काफी पॉपुलर और बड़े ऑडियंस बेस वाले यूट्यूबर्स ऐसे ऐसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं जो एक बार खराब हो जाए तो फ्री सर्विस या वारंटी क्लेम करना तो छोड़ो, रिपेयर तक करवाने के लिए कस्टमर परेशान हो जाता है। दोस्त, यही कारण है मैं ज्यादातर आपको इंडियन और ऐसे ब्रांड को आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ जिनकी सर्विस ऑलमोस्ट इंडिया के हर कोने में मिले, क्योंकि दोस्त अगर आप हमारे चैनल में सजेस्ट किए हुए प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपके हार्ड अर्न मनी को हम वेस्ट ना होने दें। हैवल्स के इस एयर फ्रायर के प्राइस की बात करें तो अमेजन पर यह अभी आपको एयर फ्रायर 8800 के आसपास में मिलेगा। इसका और बाकी जितने भी एयर फ्रायर्स इस वीडियो में मैंने बताया सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसे आसानी से वहां से चेकआउट कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। दोस्त, अगर आप एक बेसिक से एयर फ्रायर लेना चाहते हैं और आपकी नीड भी कम है, जैसे कि आप एयर फ्रायर को रेगुलर बेसिस पर यूज नहीं करते हो और आपको कम बजट में सभी नेसेसरी फीचर के साथ एक बेस्ट एयर फ्रायर चाहिए, तो आप सोलारा और ग्रीन सेफ के तरफ से आने वाले इन एयर फ्रायर्स को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ही एयर फ्रायर्स आपको अंडर 3000 बजट में आसानी से मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के अगले प्रोडक्ट की ओर। बेस्ट एयर फ्रायर्स इन इंडिया के लिस्ट के 4th नंबर पर है इनालसा के तरफ से आने वाला ये 2 एयर फ्रायर्स। पहला इनालसा का 4.2 लीटर का एयर फ्रायर और दूसरा है इनालसा का 10 लीटर का डुअल बास्केट वाला एयर फ्रायर। दोस्त, अगर आप स्मॉल और मीडियम फैमिली के लिए एयर फ्रायर परचेज करना चाहते हैं तो इनालसा की तरफ से आने वाला 4.2 लीटर वाला एयर फ्रायर को चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप लार्ज फैमिली के लिए एयर फ्रायर परचेज करना चाहते हैं
तो इसी मॉडल के 10 लीटर वाले ड्यूअल बास्केट वेरिएंट को चूज कर सकते हैं। इनालसा के 4.2 लीटर वाले एयर फ्रायर में आपको 1400 वाट का पावर कंजप्शन देखने को मिलता है, और वहीं इसके 10 लीटर वाले मॉडल में आपको 2100 वाट का पावर मिलेगा। दोनों में ही आपको डिजिटल टच कंट्रोल के साथ साथ 8 कुकिंग प्रीसेट्स मिल जाते हैं। हैवर्स की तरह इसमें भी आपको स्मार्ट एयर क्रिस्प टेक्नोलॉजी मिल जाता है, और साथ ही इस एयर फ्रायर में भी आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन, सेफ्टी लॉक, टेम्परेचर कंट्रोल जैसे सभी नेसेसरी फीचर्स मिल जाते हैं। और इसमें भी आप 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 60 मिनट तक का टाइमर कंट्रोल मिल जाता है, जिसे आप रोस्टिंग, ग्रिलिंग, डीप फ्राइंग, बेकिंग, कुकिंग जैसी सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। बास्केट मटेरियल की बात करें तो इजिली क्लीनेबल, डिश वाशर फ्रेंडली के साथ साथ नॉन स्टिक कोटिंग मिल जाता है। वारंटी और सर्विस की बात करें तो 1 ईयर का आपको ब्रांड की तरफ से कंप्लीट वारंटी मिलता है। वहीं ऑलमोस्ट सभी बड़े सिटीज में इनालसा के ऑफलाइन सर्विस सेंटर भी देखने को मिलते हैं। इनालसा के 10 लीटर वाले डुअल बास्केट वाले एयर फ्रायर की बात करें तो उसमें आपको ऑलमोस्ट सभी मेजर फीचर सिमिलर ही मिलेंगे, लेकिन डुअल बास्केट होने के कारण इसका जो सबसे मेन एडवांटेज है कि आप एक ही समय में 2 डिफरेंट फूड आइटम्स को कुक कर सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तभी आप 10 लीटर वाले मॉडल को परचेज करिएगा, नहीं तो 2100 वाट होने की वजह से आपका बिजली बिल भी ज्यादा आएगा। अगर वारंटी की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा ज्यादा वारंटी देखने को मिलता है, 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगा। कॉन्स की बात करें तो दोनों ही एयर फ्रायर्स में आपको डिहाइड्रेट का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं बेस्ट एयर फ्रायर्स इन इंडिया के लिस्ट के 3rd नंबर के एयर फ्रायर के बारे में, जो कि इंस्टेंट पॉट की तरफ से आने वाला एयर फ्रायर है। अगर आप कुकिंग के शौकीन है तो आपने इंस्टेंट पॉट का नाम तो सुना ही होगा, चाहे इसके प्रीमियम कॉफी मेकर हो या फिर स्मार्ट कुकर। हर जगह इंस्टेंट पॉट का काफी सालों से नाम बना हुआ है। ये काफी पुराना कनाडा बेस्ड ब्रांड है, जो कि काफी सालों से कुकिंग अप्लायंस और कुकिंग एक्सेसरीज में लोगों के बीच में भरोसा बनाया हुआ है। इस एयर फ्रायर में 6 लीटर के इंस्टेंट पैन कैपेसिटी और 5.7 लीटर का बास्केट कैपेसिटी के साथ 1700 वाट का पावर देखने को मिलता है। इस एयर फ्रायर में भी आपका 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है। तो दोस्त, किसी भी एयर फ्रायर में ये फीचर तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन फूड को हर एक साइड से कुक करने में काफी मदद करता है, जिसके कारण आपको बार बार फूड आइटम्स को बार बार पलटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इसके टॉप साइड में आपको इंस्टेंट पॉट का लोगो देखने को मिलेगा, और उसके बगल में ही आपको बिग साइज का 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी मिलेगा। साथ ही उसके बगल में आपको डिफरेंट कंट्रोलिंग टच बटन भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप टेम्परेचर और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। यह भी 6-in-1 मल्टीपर्पज एयर फ्रायर है, यानी कि आप इसमें ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, डीप फ्राइंग, रीहीटिंग, ब्रॉयल, डिहाइड्रेट जैसी चीजें कर सकते हैं। इसमें भी आपको 80 से 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कंट्रोल देखने को मिलता है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो इस एयर फ्रायर के साइड और बटन में मैट फिनिशिंग के साथ और टॉप में ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है। लुक वाइज काफी प्रीमियम लगता है, जो कि आपके किचन के किसी भी तरह के बैकग्राउंड में इजिली ब्लेंड हो जाएगा। इसका भी बिल्ड क्वालिटी दोस्तों काफी बढ़िया है, जो कि ABS प्लास्टिक से बना हुआ है। और सेफ्टी फीचर्स में भी बाकियों की तरह इसमें भी आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इस एयर फ्रायर में भी आपको नॉन स्टिक कोटिंग के साथ डिश वाशर फ्रेंडली बास्केट देखने को मिलता है, और साथ ही बास्केट के फ्रंट साइड में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो होने के कारण आपको बार बार एयर फ्रायर को ओपन करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बाहर से ही अपने फूड आइटम्स को देख सकते हैं कि वो कितना पका हुआ है। इसको भी कस्टमर्स ने अमेजन पर 4.6 का रेटिंग दिया है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि यह कितना बढ़िया एयर फ्रायर है। वारंटी में आपको 1 ईयर का कंप्लीट वारंटी देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहें तो अमेजन के तरफ से कुछ एक्स्ट्रा प्लान्स लेकर के वारंटी को एक्सटेंड करवा सकते हैं। हाँ, अगर इसके सर्विस की बात करें तो आपको इंस्टेंट पॉट की तरफ से 24/7 कस्टमर सर्विस देखने को मिल जाता है। आप इनके हेल्पलाइन या फिर इनके ईमेल पर कंप्लेंट रजिस्टर करवा के सर्विस ले सकते हैं। आप इस एयर फ्रायर को करेंटली 9000 के आसपास में परचेज कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ये प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। कॉन्स की बात करें तो मुझे इस प्रोडक्ट में वैसा कोई बड़ा कॉन नहीं दिखा, लेकिन इसका ऑफलाइन सर्विस सेंटर इंडिया के आपको छोटे शहरों में नहीं मिलेगा। हालांकि इंस्टेंट पॉट अपने कस्टमर्स को काफी अच्छा ऑनलाइन सर्विस देते हैं। सिमिलर एस्पेक्ट्स और सेम प्राइस में एगारो और फेवर्स के तरफ से काफी अच्छे एयर फ्रायर्स आते हैं। और एक अच्छी बात है कि फेवर में आपको ट्रांसपेरेंट विंडो ग्लास देखने को मिलता है, तो आप चाहो तो इन दोनों को भी चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वैसे अगर आप मेरे से पूछिएगा तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रांसपेरेंट विंडो ग्लास वाला ही एयर फ्रायर लीजिए, क्योंकि आप डिशेज बनाते समय इसका बहुत ही यूज करने वाले हैं कि आपका डिश कितना पका है या फिर उसका ताक झाक करना हो। तो मेरे हिसाब से सभी ब्रांड्स के एयर फ्रायर्स को ट्रांसपेरेंट विंडो ग्लास देना चाहिए। दोस्त,
बेस्ट एयर फ्रायर्स के लिस्ट के दूसरे नंबर और पहले नंबर के एयर फ्रायर को देखने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे कर लीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। बेस्ट एयर फ्रायर इन इंडिया के लिस्ट के दूसरे नंबर पर है ग्लोबल मार्केट में जाने माने स्मार्टफोन ब्रांड Xiaomi की तरफ से आने वाला एयर फ्रायर। Xiaomi या Xiaomi को आप Mi या फिर Redmi के नाम से भी जानते हैं। दोस्त, Xiaomi ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में स्मार्टफोन के मार्केट में अच्छे अच्छे स्मार्टफोन और अदर एक्सेसरीज में लोगों को काफी भरोसा बनाया है, और मुझे नहीं लगता कि आपको Xiaomi के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है। चलिए अब Xiaomi के एयर फ्रायर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको दो एयर फ्रायर्स देखने को मिल जाता है, जिसमें कि 6 लीटर वाले मॉडल में आपको नॉर्मल एयर फ्रायर्स की तरह ही फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर Xiaomi के स्मार्ट वेरिएंट की बात करें जो कि 3.5 लीटर के कैपेसिटी में आता है, इसमें भी आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन आप इस एयर फ्रायर को वाईफाई के थ्रू फोन से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। Xiaomi के दोनों ही एयर फ्रायर्स में आपको 10 प्लस कुकिंग प्रीसेट्स मिल जाते हैं। वहीं Xiaomi के स्मार्ट वेरिएंट में इनके मोबाइल ऐप में 90 प्लस डिशेज का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अगर आपको किसी भी तरीके का फूड आइटम कुक करना है तो बस आप उसे स्मार्टफोन से सेलेक्ट करके इजिली बिना किसी टेंशन का कुक कर सकते हैं। Xiaomi की तरफ से आने वाले दोनों ही एयर फ्रायर्स में आपको 1500 वाट का पावर कंजप्शन मिलेगा। अगर आपकी फैमिली स्मॉल या मीडियम है तो आप इनका 3.5 लीटर वाला स्मार्ट एयर फ्रायर ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो फिर आप 6 लीटर वाले कैपेसिटी के साथ चाहिए। इनमें भी आपको 360 डिग्री का एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, साथ ही आपको सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। Xiaomi के दोनों ही एयर फ्रायर्स में टच और डिजिटल कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन स्मार्ट वेरियंट के आप सभी फंक्शन को आप अपने फोन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, और आप इस एयर फ्रायर को इजिली मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। इन दोनों ही एयर फ्रायर में आपको 40-200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है, तो स्लो कुकिंग के लिए भी ये एयर फ्रायर काफी बेस्ट रहेगा। बास्केट मटेरियल्स की बात करें तो बाकी एयर फ्रायर्स की तरह ही इसमें भी आपको नॉन स्टिक कोटिंग के साथ साथ डिशवॉशर फ्रेंडली बास्केट मिल जाते हैं। इसके 6 लीटर वाले मॉडल में एडजस्टेबल बास्केट कैपेसिटी मिलता है, यानी इस एयर फ्रायर के बास्केट को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग 3 लीटर या फिर 6 लीटर में एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये एयर फ्रायर्स बाकी एयर फ्रायर्स से डिफरेंट डिजाइन में आते हैं, और इनका बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। इसमें पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक का यूज किया गया जो कि ABS प्लास्टिक से बहुत ही अच्छा होता है। पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक जो कि केमिकल रेजिस्टेंस और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी होता है। ये दोनों ही एयर फ्रायर्स आपको ब्लैक और व्हाइट कलर में मिल जाएंगे, तो आप अपने पसंद के हिसाब से कलर चूज कर लीजिएगा। साथ ही आप इन दोनों ही एयर फ्रायर में ग्रिलिंग, रोस्टिंग, डीप फ्राइंग, बेकिंग, कुकिंग, रीहीटिंग और डिहाइड्रेटिंग ऐसी चीजें आसानी से कर सकते हैं। अगर इनके वारंटी की बात करें तो दोनों ही एयर फ्रायर्स 1 ईयर के वारंटी के साथ आते हैं। Xiaomi के एयर फ्रायर्स का जो सबसे अच्छा बात है वो है इनका सर्विस सेंटर। दोस्त, Xiaomi के सर्विस सेंटर सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आपको हर कोने में मिल जाएंगे, तो वारंटी और सर्विस के मामले में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप Xiaomi के 6 लीटर वाले नॉर्मल वेरिएंट को परचेज करना चाहते हैं तो आपको लगभग 7000 के आसपास में मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से Xiaomi को इसमें भी मोबाइल ऐप से कंट्रोल देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इसके स्मार्ट वेरिएंट जो कि 3.5 लीटर कैपेसिटी में आता है अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो अभी आप उसको 5500 के आसपास में परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्त, बात करते हैं बेस्ट एयर फ्रायर इन इंडिया के लिस्ट के नंबर 1 एयर फ्रायर के बारे में जो कि फिलिप्स ब्रांड की तरफ से आने वाला स्मार्ट एयर फ्रायर है। दोस्त, यह एयर फ्रायर सिर्फ नाम से स्मार्ट नहीं है बल्कि सभी से ज्यादा एडवांस और स्मार्ट फीचर के साथ आता है। इस एयर फ्रायर को भी आप डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अगर इसके बास्केट कैपेसिटी की बात करें तो यह 4.1 लीटर बास्केट कैपेसिटी के साथ आता है जो कि स्मॉल और मीडियम फैमिली के लिए डिसेंट रहेगा। अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो इसमें 6.2 लीटर का भी कैपेसिटी आता है, उसमें भी आपको सेम फीचर्स मिल जाते हैं, बस बास्केट कैपेसिटी का ही अंतर है, यानी 6.2 लीटर वाले मॉडल को भी आप अपने मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पावर कंजप्शन की बात करें तो 4.1 लीटर वाले एयर फ्रायर में आपको 1400 वाट का और 6.2 लीटर वाले मॉडल में 2000 वाट का पावर कंजप्शन देखने को मिलता है। वहीं अगर इसके कंट्रोल की बात करें तो आप इन दोनों एयर फ्रायर्स को मोबाइल ऐप से तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, साथ ही इसमें आपको टच कंट्रोल और डिजिटल डिस्प्ले भी मिल जाता है। 13-in-1 कुकिंग प्रीसेट मिल जाते हैं जिसे आप आसानी से डिफरेंट टाइप के फूड आइटम को कुक कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेफ्टी के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर टेम्परेचर कंट्रोल की बात करें तो इन दोनों ही एयर फ्रायर में आप 80-200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसका न्यूट्री यू ऐप आता है, उसमें आपको 200 से ज्यादा रेसिपी के साथ और बहुत सारा कंट्रोल मिल जाता है। यह एयर फ्रायर भी दोस्तों ब्लैक कलर में काफी शानदार ग्लॉसी और मैट फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है। यह किचन में अट्रैक्टिव तो दिखेगा ही, साथ ही यह फिलिप्स ब्रांड की तरफ से आता है तो आप इसके बिल्ड क्वालिटी पर शक नहीं कर सकते हैं। इसमें भी आपको नॉन स्टिक कोटिंग वाला बास्केट मिलता है जिसे कि आप डिशवाशर में भी धुल सकते हैं।
इस एयर फ्रायर में भी आप ग्रिलिंग, रोस्टिंग, डीप फ्राइंग, रीहीटिंग, बेकिंग जैसी सभी चीजें आसानी से कर सकते हैं। वारंटी की बात करें तो इसमें अच्छी बात है, 2 ईयर का वारंटी मिलता है, जो कि आप इसे एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अमेजन के ऊपर। ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक सिटी में आपको फ्लिप्स का सर्विस सेंटर देखने को मिल जाएगा, तो रिपेयरिंग और सर्विस की आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों ही एयर फ्रायर में कॉर्न की बात करें तो फ्लिप्स में आपको डिहाइड्रेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो अगर आप डिहाइड्रेटिंग फंक्शन का यूज करते हैं तो मेरे हिसाब से आप इसको रहने ही दीजिए। आप चाहें तो शाओमी या फिर इंस्टेंट पॉट वाला एयर फ्रायर ले सकते हैं। अगर प्राइस की बात करें तो 4.1 लीटर वाला एयर फ्रायर आपको 10,000 के आसपास में मिलेगा, वहीं 6.2 लीटर वाला मॉडल लगभग 14,000 के आसपास में देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन हाँ, फ्लिप्स के जो एयर फ्रायर्स होते हैं ड्यूरेबल भी होते हैं। फ्लिप्स का विदाउट वाईफाई वाला मॉडल भी आता है, यानी सिर्फ आप टच से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें भी आपको 4.1 लीटर और 6.2 लीटर का मॉडल आता है, जो कि फीचर वाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप इसको मोबाइल ऐप से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ये आपको लगभग 2 से 3 हजार सस्ता भी पड़ जाएगा वाईफाई वाले मॉडल के कंपेयर में। तो अगर आपको मोबाइल ऐप से कंट्रोल नहीं चाहिए तो फिर आप विदाउट वाईफाई वाला मॉडल ले लीजिए, आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। वाईफाई और विदाउट वाईफाई वाले मॉडल का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो दोस्त, ये थे टॉप 5 बेस्ट एयर फ्रायर्स, तो आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा और आप उनको खरीद भी लीजिएगा। लेकिन अगर आप एक एयर फ्रायर ओवन लेना चाहते हैं जिसमें कि आपको ज्यादा कुकिंग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो स्मॉल और मीडियम फैमिली के लिए इनाल्सा की तरफ से आने वाला इनाल्सा एरो स्मार्ट एयर फ्रायर ओवन को आप कंसीडर कर सकते हैं। 15 लीटर कैपेसिटी के साथ डिजिटल कंट्रोल्स, 16 प्रीसेट्स मेन्यू और सभी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर एक्सेसरीज की बात करें कि इसमें क्या क्या मिलता है, तो इसमें आपको रोटेसरी सेट, बेकिंग ट्रे, ग्रिल ट्रे, सेफ्टी हैंड ग्लव्स, जिसके हेल्प से आप ढेर सारा अलग अलग टाइप का रेसिपी बना सकते हैं, जैसे कि एयर फ्राई, टोस्ट, रीहीट, ब्रोइल, पिज्जा, रोस्ट, डिहाइड्रेट और बेकिंग के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें भी आपको 2 ईयर का कंप्लीट वारंटी देखने को मिलता है। अगर इनाल्सा के इस एयर फ्रायर के प्राइस की बात करें तो लगभग आपको 10,000 के आसपास में मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा स्टाइलिश लुक में 15 लीटर कैपेसिटी में ही एयर फ्रायर ओवन लेना चाहते हैं, तो अगारो की तरफ से आने वाला अगारो इलाइट एयर फ्रायर को ले सकते हैं, जो कि थोड़ा प्रीमियम लुक और प्रीमियम फीचर के साथ भी आता है। आपको यह लगभग 11,000 के आसपास में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप लार्ज फैमिली के लिए एयर फ्रायर ओवन लेना चाहते हैं तो आप अगारो का एयर फ्रायर ओवन ले सकते हैं। अगारो की तरफ से आने वाले इस एयर फ्रायर ओवन में आपको 23 लीटर का लार्ज कैपेसिटी के साथ 1800 वाट का पावर देखने को मिलता है। वहीं इस एयर फ्रायर में आपको 16 प्रीसेट्स मिल जाते हैं और इसमें आपको थोड़ा ज्यादा एक्सेसरीज मिल जाता है, जैसे कि फ्राइंग बास्केट, बेक ट्रे, वायर रैक्स, रोटेसरी स्कीवर एंड फॉर्क रोटेसरी, राउंड बास्केट, स्कीवर्स एंड पॉट मिट्स मिल जाते हैं, तो आप इस एयर फ्रायर को टच कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिलता है और यह एयर फ्रायर ओवन आपको लगभग 14,000 के आसपास में मिलेगा। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे दोस्त, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा एयर फ्रायर आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलता हूँ आपसे किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।